टू माई टू फैमिली मेंबर्स, वेलकम टू माई चैनल मिया अमोरे से। मैं ये दो बॉक्स लेके आई हूँ, अब देखते हैं क्या क्या मैंने लेके आई हूँ। यहाँ पर ये पेस्ट्री है और ये पैटीज है। दिस इज रेड वेलवेट पेस्ट्री। ये एगलेस है, कलर भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्वांटिटी भी अच्छा ही है। इसका प्राइस है 50 रुपीज। एक स्माइली भी ऊपर में दिया हुआ है। उसके बाद ये है मैंगो पेस्ट्री जिसका प्राइस है 32 रुपीज। यहाँ पर आप एक मैंगो का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो और कलरफुल भी है। नेक्स्ट है चॉकलेट वैनिला मूस जिसका प्राइस है 48 रुपीज। क्वांटिटी मैं बोलूंगी तीनों का ही बहुत ही ज्यादा अच्छा है अकॉर्डिंग टू प्राइस। और यहाँ पर आपको एक चेरी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक चॉकलेट चिप्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप रेड वेलवेट का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो और क्वांटिटी तो अच्छा ही है देखने में लग रहा है। और यहाँ पर आप दो लेयर है वो भी आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट मैं मैंगो पेस्ट्री का बात करूं, यहाँ पर एक मैंगो का ऊपर में जेली पोर्शन है और यहाँ पर भी टू लेयर्स है मैंगो का। और नेक्स्ट है लास्ट वाला, ये है चॉकलेट वैनिला मूस। ऊपर में चॉकलेट है, उसके बाद वैनिला का स्ट्रक्चर है, उसके बाद फिर से चॉकलेट का स्ट्रक्चर है। दिस इज चिकन पिज्जा, इसका प्राइस है 47 रुपीज। चीज दिया हुआ है, ऑलिव्स दिया हुआ है, हल्का सा हर्ब्स है और चिकन है। दिस इज चिकन ऑलिव साफ, यहाँ पर आप चीज देख पा रहे हो, चिकन सॉसेज देख पा रहे हो, ऐसा ऑलिव्स भी दिया हुआ है और यहाँ पर मेयोनीज भी है। ऑलिव सर्व का प्राइस है 48 रुपीज। यह है चिकन बर्गर, इसका प्राइस है 48 रुपीज। दो बर्न है और यहाँ पर यह मेयोनीज दिया हुआ है और यहाँ पर चिकन विथ मेयोनीज है। दिस इज चिकन क्लॉज, ये देखने में मुझे सबसे ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। यहाँ पर आप चीज देख पा रहे हो, यहाँ पर ये चिकन टिक्का का एक मसाला वो लोग दिया हुआ है, इसका प्राइस है 47 रुपीज। अकॉर्डिंग टू लुक मुझे ये चिकन पिज्जा और चिकन क्लॉस ज्यादा पसंद आया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जल्द से जल्दी लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बोलना कि आपका फेवरेट पैटीज एंड पेस्ट्री मिया अमोरे से कौन सा है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो अभी ये सब कुछ ट्राई करते हैं, बहुत ही यम्मी लग रहा है मुझे। पहले मैं ये चिकन पिज्जा ट्राई करती हूँ। जो पिज्जा का बेस है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, ऊपर का जो स्टफिंग है वो टेस्टी लग रहा है। कैप्सिकम भी दिया हुआ है, इतने कम प्राइस पे इसका टेस्ट अच्छा ही है। ऊपर का जो फिलिंग्स है ना वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मैं ये चिकन बर्गर ट्राई करती हूँ।
क्रैकर का जो बन है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेश लग रहा है, हल्का सा एक स्पाइसीनेस है चिकन के अंदर, मियोनीस हल्का सा एक फ्लेवर मुझे टेस्ट में लग रहा है। ये जो चिकन का पोर्शन है ना वो अच्छा लग रहा है, लाइक केएफसी चिकन में हमें जो फ्लेवर आता है ना वैसा एक फील दे रहा है। नेक्स्ट मैं ये ऑलिव सर्व ट्राई करती हूँ। ये जो ऑलिव सर्व है मुझे उतना ज्यादा अच्छा तो नहीं लगा, बट ठीक ठाक टेस्ट है, हल्का सा चीज का फ्लेवर आ रहा है, सॉसेज भी अच्छा ही लग रहा है, व्हीट ब्रेड है वो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। अभी ट्राई करते हैं ये क्लॉज। देखने में ही मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था, हल्का सा स्पाइसीनेस है, तंदूरी में तो स्पाइसीनेस रहता है। अभी मैं ये पेस्ट्री ट्राई करती हूँ। पहले मैं ये रेड वेलवेट वाला ट्राई करती हूँ। ये रेड वेलवेट ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, मैं जब मुंह में ले रही हूँ ना पूरा मेल्ट हो रहा है, सच में मजा आ गया रेड वेलवेट खा के। मैंगो का फ्लेवर हल्का सा है बट मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। चॉकलेट वैनिला मूस ट्राई करती हूँ। बहुत मजा आ रहा है खाने में, ये दोनों ही बहुत ही यम्मी है।